अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चेकिंग हो रही है। जिन लोगों के पास ये काम में नहीं है, या वो भाग के काम कर रहे हैं, या किसी के ऊपर हरूब है, या बॉर्डर पार करके यहाँ पर आए हैं, यानी किसी भी तरीके से अगर कोई इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर रह रहा है, तो उन लोगों को यहाँ पर जो है पकड़ा जा रहा है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है, फिर उनको पकड़ के यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि चेकिंग हो रही है अलबहा में, और यहाँ पर जिन लोगों के पास एकामा नहीं है उन लोगों को तो पकड़ा ही जा रहा है, इसी के साथ में जिन लोगों के पास एकामा है उनको भी पकड़ा जा रहा है। अब आप जो है यहाँ पे यूँ कहेंगे कि भाई जिन लोगों के पास एकामा है तो उनको जो है क्यों पकड़ रहे हैं, उसका रीज़न ये है। असल में ये गलती जो है आपकी या हमारी कोई इसमें गलती नहीं है, ये गलती है कफील की या कंपनी की। होता क्या है, कफील या कंपनी अपने फ़ायदे के लिए जो वीज़ा यहाँ से इशू करते हैं वो किसी और के डिग्री के लिए करते हैं। मसलन किसी ने आमिल की वीज़ा जो है इशू की कराई यहाँ से, तो आप जो है यहाँ पर एक आमिल की वीज़ा पर आएँ, लेकिन आपका जो कफील है या कंपनी है वो आपसे इलेक्ट्रीशियन का काम करा रहा है, या मैकेनिकल जो है कोई काम करा रहा है, इसके अलावा कोई और सा जो है वो काम आपसे ले रहा है। तो इसमें गलती असल में गैर मुल्कियों की नहीं है, लेकिन ये गलती भुगतनी पड़ेगी गैर मुल्कियों को ही, क्योंकि यहाँ पर आप वीडियो में भी देख सकते हैं लोगों को पकड़ के उनके ऊपर मुखालफी किए जा रहे हैं, या उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि कफील और कंपनी अपने फायदे के लिए ये चीज़ें करती हैं, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आपके अकामे में कोई और काम लिखा हुआ है और आप जो है कोई और काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। लगभग हर हफ्ते की जो है मैं आपको रिपोर्ट भी बताता हूँ, लगभग 14,000, 15,000, 16,000 लोग जो है एक हफ्ते में गिरफ्तार किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा थोड़ा सा जो है आप इसमें ध्यान से रहें यहाँ पर, क्योंकि गलती तो आपकी नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पकड़े जाते हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, आपके अकामे में जो है कोई और काम है, तो फिर आपके जो है मुखालफा भी आ सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ से जो है डिपोर्ट भी जो है किया जा सकता है, और अगर यहाँ से डिपोर्ट कर दिया तो फिर आप कभी भी नए वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते, सिर्फ उम्रा करने के लिए और हज करने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ट्विटर अकाउंट पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ औरतें जो हैं वो रोड क्रॉस कर रही हैं, एक हाईवे है उसको क्रॉस कर रही हैं। और ये वीडियो दिखाने का मकसद और इस न्यूज़ को बताने का मकसद मेरा यही है, क्योंकि मैंने अक्सर जो है देखा है बाहर सिटी में बहुत हमारे गैर मुल्की भाई भी ऐसे हैं जो शॉपिंग वगैरह करते हैं या सामान लेने के लिए जाते हैं, तो वो रोड क्रॉस जो है कर लेते हैं इस तरह से। वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ औरतें हैं जो रोड क्रॉस कर रही हैं, उन्होंने ये सोचा कि गाड़ी वाले जो है वो रोक लेंगे और हम जो है सेफली यहाँ पर पार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं गाड़ी वाले ने जो है बहुत ही तेज़ी से जो हिट किया, लगभग दो औरतें जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ही दूर जाके जो है गिरी हैं, एक जो है गाड़ी के ऊपर ही जो है आ गई है। इसमें जो है मैंने मजीद न्यूज़ जो है देखी, इसमें बताया गया कि एक जो है ज़्यादा जख्मी है, सीरियस है हालत, और दूसरी के जो है यानी कम चोट लगी है। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पर यह है कि अगर आप सिटी में जा रहे हैं या सामान लेने के लिए गए हैं, शॉपिंग करने के लिए गए हैं, तो ये सोच करके जो है रोड पार ना करें कि भाई सामने वाला गाड़ी वाला रोक लेगा, हो सकता है कि ना रोके, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और वैसे भी हाईवे को क्रॉस करना अगर आपको सोचता देख लेगा तो उस पर पेनल्टी भी है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। इसके अलावा एक और खबर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी भी फ्लाइट पर पाबंदी लगा रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी विजिटर हैं अगर आना चाहते हैं इंडिया में घूमने के लिए, जो कि आज से ही शुरू हो चुका है इंडिया में आने के लिए, तो यहाँ पर लगभग 5 लाख विजिट वीज़ा जो है इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री में दी हैं लोगों को, ताकि वो इंडिया आए और घूमना शुरू करें यहाँ पर आने के लिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और इससे हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर इंडिया की गवर्नमेंट जो है बाकी कंट्रियों पर जो पाबंदी लगी हुई है, अगर वहाँ से भी फ्लाइट खुलवा लेती है, मसलन इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट खुल जाए, तो जितने भी लोग आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए वो यहाँ से पैसा इंडिया में ही भेजेंगे। देखिए यहाँ पर जो है कोई पैसा तो रखता नहीं, सिर्फ खर्चे के लिए जो है लोग रखते हैं, बाकी जितना भी इन्वेस्ट करते हैं लोग वो अपने मुल्क में ही करते हैं। अगर जो है इंडिया की गवर्नमेंट थोड़ी मेहनत करके और कोशिश करके जो है इंडिया से सऊदी अरब के लिए जो है डायरेक्ट फ्लाइट खुलवा लेती है, तो बहुत सारे गैर मुल्क के हमारे ऐसे भाई हैं जो नए वीज़ा पर आना चाहते हैं या पहले से ही जो है सफरी पाबंदी की वजह से फंसे हुए हैं, अगर वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से पे जो है वो कमाएंगे, फिर यहाँ से वो इंडिया भेजेंगे, लोग वहाँ पे जो है खर्च करेंगे, तो इससे भी जो टैक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा और एक जो है इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा एक और खबर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर थर्ड बूस्टर डोज लगनी जो है शुरू हो गई है, तो यहाँ पर खबर आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान है डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर दो वैक्सीन को जो है परमिशन दे दी गई है, उनको इजाज़त दे दी गई है लगाने के लिए। पहली वैक्सीन है फाइजर और दूसरी है मॉडर्ना, जो कि तीसरी
थर्ड डोज के लिए जो है यूज़ की जाएगी। तो अगर आपको जो है सेकेंड डोज लगवाए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो अब जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे तो वहाँ पर फाइजर या मॉडर्ना की ही वैक्सीन आपको लगाई जाएगी बूस्टर डोज के तौर पे। और इसके अलावा तवक्कलना की तरफ से जो है एक जानकारी आई है, थोड़ी सी और अपडेट जो है किया गया है तवक्कलना को, और इसमें बताया यह गया है, वैसे तो जितने भी लोग आ रहे हैं उमरा करने के लिए, उनके लिए जो परमिशन है उमरा करने के लिए या जो है ज़ियारत करने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए तवक्कलना से तो लेंगे ही, इसके साथ में यहाँ पर बताया है कि जो बस का टिकट है वो भी तवक्कलना से ही बुक कर सकते हैं, ताकि वो हरम शरीफ में आना जाना जो है आसानी से जो है कर सकें। और एक और खबर आई है सऊदी एयरलाइंस की तरफ से, जिसमें जानकारी दी गई है कि 2030 तक हर साल 85 मिलियन लोग जो है सऊदी एयरलाइंस से सफ़र कर सकेंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बताया गया है कि सऊदी एयरलाइंस नए एयरोप्लेन जो है बना रही है, जो कि 2022 तक मिल जाएंगे, और यहाँ पर उन्होंने एम रखा है कि दुनिया के लगभग 200 एयरपोर्ट तक जो है वो अपनी फैसिलिटी देंगे, यानी सऊदी अरब से 200 एयरपोर्ट तक दुनिया भर के यानी लोग जो है ट्रेवल कर सकते हैं सऊदी अरब से। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ दुबई की, तो दुबई जो है इस टाइम हब बना हुआ है पूरा, कहीं की भी अगर आपको जो है फ्लाइट चाहिए तो वो दुबई से आसानी से आपको मिल जाएगी। तो इसी तरीके से जो है सऊदी अरब में भी बहुत जल्द ये चीज़ें जो है अगले साल तक जो है शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है एक और खबर आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, जिसमें जानकारी दी गई है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो लगभग 92% से भी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है यानी वैक्सीनेटेड है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। और यही रीज़न है कि सऊदी अरब के अंदर जो कोरोना वायरस के केसेज हैं बहुत ही कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 38 नए केस आए हैं, 55 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है, 49 क्रिटिकल केस हैं जिनको ICU में रखा गया है। यहाँ पर जो है एक जरूरी सवाल पूछा था एक भाई ने, आलम अंसारी है, उन्होंने मालूम किया, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमने सऊदी में एक डोज लिया था, इंडिया से शो नहीं कर रहा है, सेकेंड डोज कैसे मिलेगा, सऊदी रिटर्न कैसे जाना होगा? तो देखिए उनका सवाल यह है कि यानी सऊदी अरब के अंदर उन्होंने एक वैक्सीन लगवाई थी, फिर वो इंडिया चले गए छुट्टी, लेकिन वहाँ पर वो शो नहीं कर रहा है। तो इसका रीज़न यह है कि सऊदी अरब के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने एक नया रूल बनाया है, अगर आपने सिर्फ एक वैक्सीन लगवाई है और उसको 90 दिन से ऊपर हो गए हैं तो वहाँ पर आपका फिर इम्यून शो नहीं होगा। अब इनका यहाँ पर सवाल यह है कि सेकेंड डोज कैसे मिलेगी? तो भाई अगर आप इंडिया में हैं तो कोविशील्ड जो है आप सेकेंड डोज लगवा लें, और दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट एक साथ जो है PDF बना करके ई सर्विस पे आपको यानी अपलोड करना है। और मैंने भी जो है कुछ लोगों का क्या है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका हो गया है। और बात रही जो पहली वैक्सीन आपकी नहीं दिखा रही है, जब आप दोनों यानी दूसरी वैक्सीन लगवा लेंगे और वो जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे ई सर्विस पे, तो वहां पर आपका इम्यून शो होगा, यानी दोनों वैक्सीन जो है वहां पर शो हो जाएंगी। एक और भाई ने जो यहाँ पे सवाल किया है और बहुत ही जरूरी सवाल है, और जितने भी लोग यहाँ से सऊदी अरब से दोनों वैक्सीन लगवा के अब इंडिया में सफर कर रहे हैं और वो जो है डायरेक्ट सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं, वो तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन डायरेक्ट आने में जो है टिकट थोड़ा महंगा होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं किसी वाया कंट्री के थ्रू होकर के आना चाहते हैं, यानी 1-2 घंटे का जो है उनका स्टे होता है एयरपोर्ट पे, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो यानी पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बताऊंगा, एक ने जो है मुझे बताया था इसके बारे में, पहले सवाल यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। तो एक भाई ने यहाँ पर सवाल किया, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, दोनों डोज सऊदी में लगाया था, वाया शारजा होकर जा सकते हैं क्या भाई, रिप्ले? खबर मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक भाई जो हमारे जानने वाले आ रहे थे इंडिया से और सऊदी अरब के अंदर दोनों वैक्सीन उन्होंने लगवाई थी, और उनकी फ्लाइट जो है वाया दुबई होकर के थी सऊदी अरब के लिए। अब जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनसे कहा गया कि आपको जो है रिपीट PCR टेस्ट कराना होगा, जिसका खर्चा लगभग 4,000 रुपये है। तो वो जो है कंफ्यूज हो गए उसमें कि भाई मैं जो है रिपीट PCR क्यों कराऊंगा, मुझे तो दुबई में रुकना नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो है वहाँ पे करा रहे थे। तो उन्होंने जब वहाँ पे काउंटर पे जाके बात की, उनसे कहा गया कि भाई आपके लिए नहीं है, जो लोग स्टे करेंगे वहाँ पे क्वारंटीन के लिए जा रहे हैं या मसलन उन्होंने दुबई में ही जाना है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और बात रही किसी वाया कंट्री के थ्रू आने की, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं बिंदास। कुछ जरूरी सवाल थे, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।